हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने एरिया का या लोकेलिटी का या किसी भी एरिया का या लोकेलिटी का पिन कोड आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा वीडियो लंबा होने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा प्रोसेसिंग है और इसके जानकारी से आप लोग पिन कोड मालूम कर सकते हैं किसी भी एरिया का। तो आज मैं आपको ये फुल डिटेल आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को इन तक बने रहना। और जैसे कि यहाँ पर हर वीडियो में आपसे यही कहता हूँ, बूस्ट टेक स्टडीज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आपके वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, अभी एक और बात करनी है आपसे, एक अभी तक चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना टेक्निकल वीडियो और आपकी हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर रोज़ाना मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आगे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, तो मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने एरिया का पिन कोड आसानी से मालूम करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, क्रोम ब्राउज़र के सभी मोबाइल में होता है नहीं होता है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र को अपना ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पर टाइप करना है इंडियन पोस्ट ऑफिस, या किसी भी आपको कंट्री का हो वहाँ पर आपको इंडियन की जगह कोई भी कंट्री आप लोग रख सकते हैं। तो इंडियन है तो इंडियन कंट्री आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इंडियन पोस्ट ऑफिस पहले वाला ऑप्शन आ गया यहाँ पे, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं तो पहले वाला ऑप्शन जो आपको लिंक दे रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको इसे लिंक किसी और को भी मालूम कराना चाहते हैं या किसी और को भी बताना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग पिन कोड उसका लिंक आपको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीर वाले बटन को यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर इसका लिंक आपको शेयर करना है तो शेयर के यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर आपको दे दे रहा है कॉपी लिंक, तो कॉपी लिंक करके यहाँ पर किसी भी को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको एक जानकारी था। अगर आपको मतलब यहाँ पे पिन कोड मालूम करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाना है और देख रहे हैं फाइंड पिन कोड, यहाँ पर पिन कोड आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन कोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं आपको धीरे धीरे बिल्कुल तरीके से बताऊँगा कैसे आपको करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट यूनिट थ्योरिटी की जगह पे यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको यूनिट या जो स्टेट आपका जो होगा वहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे मैं यूपी का हूँ तो यहाँ पर यूपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या सिटी कोई भी हो आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कुशीनगर मेरा है तो मैं आपको कुशीनगर करके यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करते ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कुशीनगर मेरा दिखाई दे दिया, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। और जैसे कि आपको पोस्ट ऑफिस नाम मालूम नहीं है तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिटी या डिस्ट्रिक्ट एक ही में से किसी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे और दे रहा है, इन दोनों को चूज करने के बाद से आपको इन दोनों को चूज ना करके आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस नेम दे देंगे, तब भी आसानी से आप लोग फाइंड पिन कोड आसानी से मालूम कर सकते हैं। जैसे आपको दोनों ऑप्शन ऊपर दे रहा है, यह सभी को मालूम रहता है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे तीन बार या दो बार आपको यहाँ पे देता है कि क्या क्या आपको करना है। तो जैसे आपको कोई बार पूछेगा तो कई बार आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो जैसे यहाँ पे इंटर द सेकंड नंबर आपको जो आपको दिया गया है वही आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो जैसे दिया है 5828284 दे दिया, सर्च पर क्लिक करेंगे। फिर सर्च पर क्लिक करने के बाद से आपको फिर से एक बार और कहीं ऑप्शन मांगेगा तो देगा देना पड़ेगा आपको, तो सिलेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद से प्रोसेसिंग आ गया है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि अभी तक आपका ये ब्राउज़र ओपन नहीं हुआ है। जैसे आपको कई बार मांगे तो आपको दो तीन बार देंगे, उसके बाद से ही आपका आसानी से हो जाएगा। तो 9821 और उसके बाद से A4 है, तो A4 यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद से सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद से फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद से फिर से एक बार और कहीं मांगेंगे तो आपको कर देना है। तो यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग कर रहा है, और उसके बाद से आपको यहाँ पे दो ही बार में ओपन हो गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस नेम आपको दे रहा है, और उसके बाद पिन कोड और सिटी डिस्ट्रिक्ट, मतलब तीन आपको ज़्यादा है, मतलब आपको पोस्ट ऑफिस का नाम भी बता देगा और पिन कोड भी बता देगा और सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको आसानी से यहाँ पे आपको बता सकता है। तो जैसे पोस्ट ऑफिस नेम मेरा जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 2744 ऐसे ही है, तो जो मेरा नाम है जो आपको पोस्ट ऑफिस का जो नेम होगा आपको स्क्रॉल करते हुए जो भी कुशीनगर में आता होगा, तो जो पूरी कुशीनगर का यहाँ पर डिटेल आप
आपको दे देगा कि क्या क्या कुशीनगर में आपको कौन से मतलब पोस्ट ऑफिस कितने हैं, वो सब आपको यहाँ पे दे देगा। जैसे यहाँ पर कुशीनगर डाले थे तो वो सिर्फ आपको लिस्ट यहाँ पे कुशीनगर का ही देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई है, तो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर स्टेप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं, दो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर से आपका दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपको आ जाएगा, फिर से वहाँ भी आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला कौन कि ये जैसे कि मेरा है ये बनबीरा वो कुछ 2744-01 यही मेरा पिन कोड है और यही आपको मालूम करना था कैसे आपको, तो ये आसानी से आप लोग मालूम कर चुके हैं। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड धन्यवाद। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।